सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निवीर को लेकर सियासी विरोध बढ़ता जा रहा है। शनिवार को आरजेडी का बिहार बंद था और अब आज कांग्रेस सुबह 10 बजे इस मुद्दे पर जंतर मंतर पर सत्याग्रह करके स्कीम को वापस लेने की मांग करेगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि अहिंसक आंदोलन में उनकी पार्टी आंदोलनकारी छात्रों के साथ है। कांग्रेस की एक ही मांग है कि योजना वापस ली जाए। ये अग्निपथ योजना अपने आप में पूरी तरह से गलत है और उसको वापस लिया जाना चाहिए, हमारी पूरी तरह से मांग यही है। विरोध को थामने के लिए सरकार ने अग्निवीरों के लिए 4 साल बाद नौकरी के कई मौकों का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड और 16 रक्षा पीएसयू में 10% आरक्षण दिया जाएगा। शिपिंग मंत्रालय मर्चेंट नेवी में गृह मंत्रालय मौका देगा। साथ ही सीपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। कई राज्य भी अग्निवीरों के लिए स्कीम ला रहे हैं। कुछ राज्यों ने पुलिस में अग्निवीरों को वरीयता देने की बात कही। सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थान अग्निवीरों को लोन देंगे। पेट्रोलियम, शहरी विकास, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और खेल मंत्रालय भी अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता पर विचार कर रहे हैं। बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजेपी और सहयोगी पार्टी जेडीयू में ही तलवारें खिंच गई हैं। जेडीयू इस स्कीम से सहमत नहीं है और चाहती है कि इसकी समीक्षा हो। लेकिन मूल रूप से जो छात्र हैं, अब छात्र का जो गुस्सा है तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की स्थिति होती है। बिहार में रविवार को भी अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध का दौर जारी रह सकता है। राज्य में पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आज कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब तक 718 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और कुल 138 FIR दर्ज हो चुकी हैं। कई राज्यों में जांच में सामने आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए साजिश रची गई और हिंसा के लिए उकसाया गया। कुछ निजी संस्थानों पर भी छात्रों को उकसाने का शक है। पटना के पास मसौढ़ी में शनिवार को हिंसा हुई। यहां के 3 कोचिंग सेंटर पर छात्रों को उकसाने का आरोप है। यथार्थ DDS और आरक्षण कोचिंग सेंटर की भूमिका की जाँच हो रही है। रक्सौल में भी सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को भड़काया गया। उनको स्टेशन पहुंचने को कहा गया। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छात्रों को भड़काने का आरोप ग्वालियर के कोचिंग सेंटर पर भी है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर भड़काऊ पोस्ट की गई थी। 1 आरोपी पकड़ लिया गया है जबकि संचालक फरार है, जिस पर इनाम घोषित है। कानपुर में सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर विरोध प्रदर्शन के नाम पर पुलिस चौकी फूंकने की साजिश की गई। ग्रुप पर नौबस्ता हमीरपुर हाईवे पर जाम लगाने और रमा देवी पुलिस चौकी को फूंकने की बात चल रही थी। ये चंद घटनाएं बताती हैं कि सोशल मीडिया या कुछ संस्थान छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। सहारनपुर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर छात्रों को भड़काने का आरोप है। इनमें से 1 पराग पवार NSUI का जिला अध्यक्ष है, जबकि संदीप चौधरी का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है। हम लोगों ने 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। राहुल गांधी का आज बर्थडे है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कोई जश्न ना मनाए बल्कि अग्निपथ स्कीम से गुस्साए छात्रों का साथ दें और उनका दर्द बांटें। राहुल ने ट्वीट किया कि देश के मौजूदा हालात से हम सब चिंतित हैं, करोड़ों युवा उदास हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता उनका दर्द बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
ये परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएमओ ने कहा कि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना को 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नए विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक सुगम पहुँच प्रदान करना है। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और विपक्ष का मंथन तेज हो गया है। बीजेपी की स्पेशल टीम की आज पहली मीटिंग होगी जिस पर आम सहमति बनाने का जिम्मा है। बीजेपी की बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। बीजेपी ने 14 लोगों की एक टीम बनाई है। उधर विपक्ष की आज इस मसले पर दूसरी बैठक होगी। इस बार शरद पवार ये बैठक कर रहे हैं। ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं होंगी। फारूक अब्दुल्ला पहले ही उम्मीदवार बनने से इनकार कर चुके हैं। तेईस जून को रामपुर सीट पर उपचुनाव है, लेकिन अखिलेश यादव ने अब तक यहां प्रचार नहीं किया है। बीजेपी और एसपी के बीच मुकाबला है। आजम के करीबी आसिम रजा एसपी के उम्मीदवार हैं। रामपुर के नवाब इस बार बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। असम के कम से कम 25 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। नदियां उफान पर हैं और लाखों लोगों को बेमौसम बारिश और बाढ़ ने बेघर कर दिया है। नलबारी में हजारों घरों में बारिश का पानी घुस गया। सिर्फ नलबारी से 1,25,000 लोग बेघर हुए हैं। चिरांग जिले में भी बाढ़ से कई इलाके जलमग्न हैं। कई दिनों की बारिश से चिरांग जिले की चंपावती नदी उफान पर है। गुवाहाटी भी बाढ़ से अछूता नहीं है। इसके कई इलाके पानी में डूबे हैं। बाढ़ के बीच होजाई में एक नाव डूब गई जिससे 2 बच्चे डूब गए थे। यह हादसा रायकाटा इलाके में हुआ। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में जबरदस्त बर्फ पड़ रही है। यमुनोत्री धाम का पारा तो 4 डिग्री है। ऐसा ही हाल चमोली में पड़ने वाले प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब का है। मौसम की करवट बदलने के साथ ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदलते ही बारिश शुरू हो गई। अमरनाथ में भी जमकर बर्फ पड़ रही है। टोंक में लगातार बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। हर गली हर सड़क पर सिर्फ पानी था। तेज रफ्तार वाले पानी के बीच लोगों की गाड़ियां फंस गईं, जिनको निकालने के लिए वो मशक्कत करते दिखे। एक जगह तो बीच बाजार ट्रैक्टर बहता दिखा। बाजारों के बीच से कई कई फुट का पानी बह रहा था। कोलकाता में एक बार फिर एलजीबीटी प्राइड परेड निकली जिसमें इस कम्युनिटी के लोगों ने जोश और खरोश के साथ शिरकत की। जून को प्राइड मंथ माना जाता है और इससे एलजीबीटी इस तरह का रंगारंग परेड का आयोजन करते हैं। कोलकाता परेड में सैकड़ों की तादाद में इस कम्युनिटी के लोग शामिल हुए जिन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में एक ढाबे के पास गत्ता गोदाम धूं-धूं कर जल उठा। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। कई दमकलों को इस आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गत्तों के भारी स्टॉक की वजह से आग तेजी से फैली और इसको काबू करना मुश्किल हो गया। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई क्योंकि लोग वक्त रहते बाहर आ गए। आग किन कारणों से लगी ये पता नहीं चल पाया। दमकल ने किसी तरह आग को पास के इलाकों तक फैलने से रोका। उदयपुर के गुलाबबाग में चीकूवाड़ी में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर नगर निगम की टीम और दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। चीकूवाड़ी में सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। सबसे पहले आग सूखे पत्तों में लगी जिसके चलते धीरे धीरे आग ने भीषण रूप ले लिया। जल्दी ही कई पेड़ पौधे भी आग की चपेट में आ गए। गुलाब बाग में कई जगह पर सूखे पत्तों का ढेर है जिससे आग लगने की आशंका हर वक्त बनी रहती है। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। नर्मदापुरम में चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास से एक बुजुर्ग प्लेटफॉर्म पर गिर गया। दूर तक ये बुजुर्ग ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच घिसटता रहा। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवानों ने किसी तरह जान पर खेलकर उसे बचाया। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। गिरने के बाद बुजुर्ग ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। गोंडवाना एक्सप्रेस रवाना हो रही थी और इसी दौरान 70 साल के रामचरण सेन ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की लेकिन उसका पैर फिसल गया। गनीमत रही कि बुजुर्ग को ज्यादा चोट नहीं लगी।
एक सेकंड की भी देर हो जाती तो बुजुर्ग महिला की जान बचाना नामुमकिन हो जाता। ये हादसा ललितपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां एक बुजुर्ग महिला लापरवाही से पटरी पार करके प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही थी। रेलवे का पुलिसकर्मी उसको पटरी नहीं पार करने को कह रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी, लेकिन महिला ने नहीं सुना और तभी तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। पुलिसकर्मी ने वक्त रहते महिला को पटरी से प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। बीती रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर महिंद्रा जीप और होंडा सिटी कार में हुई टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। हादसा रात करीब 3:30 बजे हुआ, जब एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने पीछे से महिंद्रा जीप को जोर से टक्कर मारी। टक्कर के बाद महिंद्रा जीप पलट गई। जीप में 4 लोग सवार थे। मुंबई से सटे बोरीवली में एक इमारत की 14वीं मंजिल पर देर रात करीब 12 बजे आग लग गई। आग 2 फ्लैट में लगी थी। करीब 14 लोग 15वीं मंजिल पर फंसे हुए थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया। सभी लोग सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया।